कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, उत्तर प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुष्का सिंह और चलिए अब रुख कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की खबरों पर। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जनपद में आने वाले 14 फरवरी को दूसरे चरण के मतदान के लिए जिले की 7 विधानसभा में नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है, जिसको लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट हो चुका है। कोविड गाइडलाइंस का भी जिला प्रशासन की ओर से कड़ाई से अनुपालन कराया जा रहा है। जिलाधिकारी अखिलेश सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि नामांकन के लिए जिला प्रशासन की ओर से सभी तैयारियां फिलहाल पूरी कर ली गई हैं व सभी पार्टियों के गणमान्य लोगों से कोविड-19 गाइडलाइन के अनुपालन संबंधित सभी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। आज से जनपद में नामांकन का कार्य प्रारंभ है और जनपद में शांतिपूर्वक और निष्पक्ष तरीके से निर्वाचन का कार्य जो है करने के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं जो है यहाँ पर हैं। सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद है। नामांकन की प्रक्रिया के संबंध में सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ को पहले से ही बता दिया गया है और सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ ने ये आश्वस्त किया है कि वो जो भी व्यवस्था है भारत निर्वाचन आयोग के जो भी निर्देश हैं उसका सभी लोग पालन करेंगे और यहाँ ऐसी कोई दिक्कत या समस्या नहीं है। वही सिकंदराव विधानसभा बसे भाजपा के वर्तमान विधायक वीरेंद्र सिंह राणा हैं, जिनको भाजपा द्वारा पुनः टिकट देने की खबर पूरे विधानसभा क्षेत्र में फैल गई, जिसके चलते विधानसभा क्षेत्र के अलग अलग गांव में वर्तमान भाजपा विधायक का विरोध जो है वो शुरू हो गया है। गांव में विरोध में नारेबाजी की गई है। ग्रामीणों ने नारेबाजी करते हुए उनका पुतला फूंक कर अपना आक्रोश जाहिर किया है। लोगों का कहना है कि विधायक के विकास कार्य जीरो है, अगर भाजपा में टिकट उन्हें वापस मिल जाती है तो हम उन्हें वोट नहीं देने वाले हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से हमें कोई बैर नहीं है, पर वीरेंद्र सिंह राणा को टिकट नहीं दिया जाना चाहिए। वर्तमान विधायक की जगह किसी और प्रत्याशी को टिकट दे, अगर वीरेंद्र सिंह राणा को टिकट दिया गया तो भाजपा को 2022 चुनाव में 80 विधानसभा क्षेत्र में हार का सामना करना पड़ेगा। दुर्दी बार एसोसिएशन में हुई मतगणना में जितेंद्र कुमार श्रीवास्तव को अध्यक्ष पद पर निर्वाचित करके घोषणा किया गया है। वहीं पर बार संघ के सचिव पद पर उमेश चंद्र को निर्वाचित घोषित किया गया है। बता दें कि काफी गहमा गहमी और कड़ी सुरक्षा के बीच बार एसोसिएशन मतदान प्रक्रिया जो है वो संपन्न हुई थी। जीत की घोषणा होते ही जितेंद्र श्रीवास्तव के समर्थकों ने फूल मालाओं से उन्हें लाद दिया। खबर रायबरेली से है, जहां पर विधानसभा चुनाव के मद्देनजर महाराजगंज उप जिलाधिकारी, क्षेत्राधिकारी व शिवगढ़ थानाध्यक्ष ने शिवगढ़ कस्बे में स्थित प्राथमिक विद्यालय शिवगढ़ प्रथम व ग्राम पंचायत बैती स्थित पंचायत भवन में मतदाताओं को निर्भीक पूर्वक शत प्रतिशत मतदान करने की अपील की। पंचायत भवन में शाम करीब 5 बजे पुलिस बल के साथ पहुंचे SDF क्षेत्राधिकारी शिवगढ़ थानाध्यक्ष मतदाताओं को उन्होंने इकट्ठा किया और कहा कि यदि कोई आपको धमका रहा है या जबरदस्ती किसी को वोट देने के लिए दबाव बना रहा है तो आप लोग सीधे उनका नाम बताएंगे और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। वहीं आगरा में पूर्व राज्य मंत्री की पत्नी जिला मुख्यालय पहुंची हुई थी। वहीं पूर्व राज्य मंत्री के नामांकन पत्र दाखिल करने का विरोध किया गया है। पूर्व राज्य मंत्री चौधरी बशीर बहुजन समाज पार्टी के हैं। वहीं मंत्री की पत्नी ने कहा कि शादियां करना इस इंसान का धंधा है। आगे उन्होंने ये भी कहा कि मुझे 3 तलाक बोलकर घर से बाहर निकाल दिया गया। हमारे हस्बैंड चौधरी बशीर दक्षिण विधानसभा से पर्चा बनने के लिए आए। हम ये बोलना चाहते हैं कि जो इंसान 4 सालों से अपने मासूम बच्चों को छोड़े पड़ा हुआ, वो ये देश का नेता बनेगा, ये विकास करेगा? ये इंसान जो शादियों पे शादियां ने एक धंधा बना लिया है, जैसे पार्टियां चेंज करता है वैसे शादियों पे शादियां करता है। वहीं बदायूं में पुलिस लाइन परेड ग्राउंड में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर ओपी सिंह की तरफ से परेड की सलामी ली गई है। परेड का संचालन क्षेत्राधिकारी सह सवान चंद्रपाल ने किया है। इस अवसर पर प्रतिसार निरीक्षक मोहम्मद हकीमुद्दीन और कई पुलिसकर्मी परेड में मौजूद रहे। इस दौरान परेड का निरीक्षण भी किया गया है। आरक्षियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी किए गए।
वहीं मैनपुरी में विधानसभा चुनाव की तारीख नजदीक आ चुकी है और शब्दों के तीर चलने शुरू हो चुके हैं। और इसी कड़ी में करहल से बीजेपी प्रत्याशी संजीव यादव ने कहा कि हम अखिलेश यादव को हराकर उनका मुंह काला करके भेजेंगे और यहां जो भी यादव मतदाता है वो हमारे साथ है। भारतीय जनता पार्टी का मैं धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे करहल से प्रत्याशी बनाकर भेजा है। सबसे पहले शीर्ष नेतृत्व को आभार, प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, प्रदेश अध्यक्ष जी, सभी का आभार। उन्होंने मेरे ऊपर भरोसा किया, करहल से चुनाव लड़ने के लिए मुझे टिकट दी। करहल में अभी जब 19 में पार्लियामेंट का चुनाव हुआ था तो करहल टाउन से आदरणीय नेताजी भी चुनाव हार के गए हैं और उसी भरोसे पे बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि अखिलेश जी का मुंह काला करके यहाँ से विदा करेंगे। यहाँ लगभग 1,30,000 यादव वोट है, 40,000 से 50,000 के लगभग साक्षी वोट है, 30,000 क्षत्रिय वोट है, 25,000 ब्राह्मण वोट है, ऐसे करीब 3,75,000-80,000 पूरा टोटल वोट है। उसमें 1,00,000 यादव मेरा स्वजाति वोट है, जिससे उन्हें चिढ़ है वो मेरे हैं, वो हमें वोट देंगे, उनके भरोसे पे हम उनका मुंह काला करके भेजेंगे। वहीं संभल के चंदौसी विधानसभा क्षेत्र 31 से बीजेपी प्रत्याशी गुलाब देवी के चुनाव कार्यालय का आज धूमधाम से उद्घाटन किया गया, जिसमें नगर के सम्राट व्यक्ति तथा पार्टी कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यालय का उद्घाटन चंदौसी नगर के व्यापारी अरविंद अग्रवाल ने फीता काटकर किया है। इस मौके पर बीजेपी सरकार माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री गुलाब देवी ने बताया कि इस बार भी हमारी प्रचंड वोटों के साथ जीत होने वाली है तथा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। वहीं उन्होंने जानकारी देते हुए ये भी बताया कि जो लोग विरोध करते हुए सामने आ रहे हैं वह हमारी पार्टी के लोग नहीं है। सभी कार्यकर्ताओं से गुलाब देवी ने क्षेत्र में भ्रमण कर वोटरों को समझाने के लिए अपील की है। सभी सम्मानित व्यक्तियों तथा पार्टी के कार्यकर्ताओं को उन्होंने धन्यवाद भी दिया। वहीं रायबरेली में तेज रफ्तार अनियंत्रित कार ने बाइक और साइकिल में जोरदार टक्कर मार दी, जिसको लेकर जो कार सवार ड्राइवर था टकराने के बाद वो अनियंत्रित हो गया और बुलेरो की टक्कर से बाइक सवार दंपति और साइकिल सवार बुजुर्ग गंभीर रूप से घायल हो गए। आपको बता दें कि बाइक सवार दंपति की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिसको देखते हुए उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। मौके पर पहुंची पुलिस ने कार को जब्त कर लिया है। ये घटना हरचंदपुर थाना क्षेत्र के प्यारेपुर की बताई जा रही है। ये देखिए, एक एक्सीडेंट एम्बुलेंस के द्वारा 3 पेशेंट आए हुए हैं, जिसमें एक राजा राम है, एक माया देवी है और एक श्यामू है 30 साल का। ये तीनों एक्सीडेंटल हुआ, एक्सीडेंट फोर व्हीलर से हुआ है। ये प्यारेपुर चौराहा है और थाना पड़ता हरचंदपुर में, वहीं पे हुआ एक्सीडेंट। बाकी जो इसमें जो राजा राम है 50 साल के हैं, वो काफ़ी सीरियस है, कुछ कहा नहीं जा सकता। बाकी हमारे सर्जन साहब आए, देखे, आर्थोपेडिक सर्जन साहब देखे, हेड इंजरी भी है उनको, दोनों पैर भी टूटा हुआ है, सीरियस मामला है, उनका इलाज चल रहा है, मे भी हो सकता है रेफर हो जाए। बाकी एक जो महिला आई है वो भी सीरियस है, उसका भी हेड इंजरी है। बाकी एक श्यामू है वो भी सीरियस, वो भी हेड इंजरी है, और जो श्यामू है वो भी सीरियस हेड इंजरी है, उसका भी इलाज चल रहा है, सर्जन साहब देख रहे हैं मेरे। अगली खबर रायबरेली से है, जहां पर जेल में बंद कैदी की हालत बिगड़ गई है, जिसके बाद कैदी को जिला अस्पताल ले जाया गया। दरअसल बीमार बंदी शानू पीते 5 सालों से हत्या के आरोप में जेल में बंद है। बीमार बंदी को इससे पहले भी 2 हार्ट अटैक आ चुके हैं। डॉक्टर संदीप श्रीवास्तव, सर एक बंदी आया है, क्या है पूरा मामला? चेस्ट पेन हुआ उसको, दर्द हुआ सीने में। तो अब कैसी स्थिति उसकी? अब ठीक है, यहाँ पे ला करके इलाज हो रहा है उसका। पहले भी कुछ बीमार था या? हाँ, हो चुका था इसको, इसको अटैक हो चुके हैं 2 बार। वहीं रायबरेली में मासूम आवाज आलाप ताप रहे। आपको बता दें कि इस दौरान मासूम बच्चा गंभीर रूप से झुलस गया है। ये पूरा मामला रायबरेली से सामने आया है, जहां पर एक नाबालिग मासूम अलाव ताप रहा था और इसी दौरान ये पूरा हादसा हुआ है। मासूम बच्चे को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मासूम बच्चा अभी जिंदा है और मौत से संघर्ष कर रहा है। बच्चे का नाम आदर्श है। ये घटना उचहार कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत मणिपुर गाँव की बताई जा रही है।
हाँ डॉक्टर एसका सिंह, EMO जिला अस्पताल रायबरेली। सर एक बच्चा भी आया है जो जला हुआ है, क्या है? देखिए एक आदर्श नाम का बच्चा आया हुआ है, 4 साल का है, ऊंचा RC80 से रेफर किया गया है। इस बच्चे को ओल्ड बर्न मतलब कल का जला हुआ है। आप बच्चे का अटेंडेंट जो उसके गार्जियन है उससे पता करने में भी पता चला कि आग ताप रहा था, आग तापने उसका चेहरा जला हुआ है, उसका पैर जला हुआ है, प्लस उसका दाहिना हाथ जला हुआ है। बाकी मैंने एडमिट कर दिया, उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट हो गया, सर्जन साहब देख रहे हैं। अगली खबर संभल से है, जहां पर चंदौसी कोतवाली क्षेत्र में आवास विकास कॉलोनी में स्थित नगर पालिका परिषद अध्यक्ष के आवास पर ठेकेदार के भाई मनमोहन भसीन के द्वारा नगर पालिका में तैनात अपर अभियंता के साथ बकाया भुगतान न होने को लेकर मारपीट की गई, जिसकी शिकायत अवर अभियंता ने लिखित में नगर पालिका परिषद के अधिशासी अधिकारी से की है। साथ ही इस मामले में सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कराने की अपील भी की गई। एक्चुअली जो है हमें चेयरमैन साहब ने करीब 11 बजे के बाद उन्होंने फ़ोन किया और मुझे बोला कि 2 मिनट के लिए ज़रा यू साहब आवाज़ पे आ जाइए, कुछ बात करनी है। और आपके JE को भी मैंने बुला रखा है। मैंने कहा ठीक है, मैं वहाँ पहुँचा। तो जैसे ही मैं पहुँचा मुझे ये हुआ कि आप अंदर वाले कमरे में चेयरमैन साहब थे और मैं बैठा था, एक कोई और भी थे, स्कूल का काम कुछ चल रहा था। तो उसी समय मुश्किल से 1 मिनट हुआ होगा। अगली खबर औरैया से है, जहां पर कड़ाके की ठंड इस वक्त पड़ रही है और लोग ठिठुरते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं औरैया जिले में 3 दिनों बाद धूप निकलने से लोगों ने राहत की सांस ली है। सर्दी में सूर्य देवता के दर्शन से जनजीवन अब पटरी पर लौटता नजर आ रहा है। व्यापारियों और नगरवासियों की माने तो गलन वाली ठंड के कारण व्यापार भी प्रभावित हो चुका था। साधु और श्रद्धालुओं की माने तो ऐसी सर्दी कई सालों बाद पड़ी है। बहुत सर्दी भाई ज्यादा, और जो है जीवन यानी गैस हो गया, सबको परेशान हो गए सब लोग, बहुत ही ज्यादा बहुत सर्दी भाई अपार। अब सूर्यनारायण के दर्शन हुए, आज कैसा महसूस कर रहे हैं? हाँ जो है प्रभु के दर्शन भाई तो हमें सब कुछ यानी तप मिल रहो, तब से जो है शरीर अंग सही है, बिल्कुल अंग बहुत ठंडे हो रहे, बहुत अच्छा। कृपा की बात है, अल्लाह के करम की बात है कि आज उसने धूप निकाल के इंसान के लिए, इंसान को बहुत सर्दी इतनी भयंकर पड़ रही है, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं कि आदमी सर्दी से बेहाल था, लेकिन आज अल्लाह की कृपा से अल्लाह के करम से आज सूर्यदेव ने अपने दर्शन दिए, उन लोगों को बड़ी शांति का मतलब शांति मिल रही है। वहीं उन्नाव में मनमाने जुर्माने की वसूली से वाहन स्वामियों को अब निजात मिलने वाली है। बता दें कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने ओवरलोड वाहनों में लगाए जाने वाले जुर्माने को निर्धारित कर दिया है। ओवरलोड डबल एक्सल वाहन के लिए 240 रुपये तय किए गए हैं, तो वहीं अगर वाहन ओवरलोडेड है तो 425 रुपये जुर्माना राशि जो है वो तय की गई है, और ट्रिपल एक्सल वाहनों में 295 टोल टैक्स लिया जाएगा। वहीं मथुरा में थाना गोवर्धन पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। बता दें कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मथुरा के निर्देश पर अपराधियों की धरपकड़ हेतु चलाए जा रहे अभियान के तहत दौलतपुर से एक अवैध शस्त्र बनाने की फैक्ट्री पकड़ी गई है, जहां से बड़ी मात्रा में अवैध शस्त्रों को बरामद किया गया है और एक अभियुक्त भी मौके से गिरफ्तार हुआ है। अभियुक्त ने पूछताछ में बताया है कि वह और उसका साथी दौलतपुर थाना गोवर्धन जनपद मथुरा में साथ मिलकर शस्त्रों को बनाते हैं और अच्छे दामों पर उन्हें बेचने का काम करते हैं। अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्रवाई कर पुलिस ने फिलहाल उसे जेल भेज दिया है। आगामी विधानसभा चुनाव 2022 को सकुशल संपन्न कराने के लिए, शांतिपूर्वक व भयमुक्त वातावरण में संपन्न कराने के लिए लगातार अपराधियों व अपराध के खिलाफ एक स्पेशल अभियान जनपद मथुरा में चलाया जा रहा है। इसी अभियान के तहत एक शस्त्र फैक्ट्री का खुलासा थाना गोवर्धन में किया गया है। CO गोवर्धन की सुपरविजन में चले इस ऑपरेशन में एक व्यक्ति साहून पुत्र इनायत अरेस्ट हुआ है, जिसके कब्जे से 8 तमंचे, 4 बंदूक व 13 कारतूस बरामद हुए हैं और शस्त्र बनाने की भारी मात्रा में सामग्री बरामद हुई है। पूर्व में भी यह व्यक्ति इन गतिविधियों में सम्मिलित रहा है, उसके ऊपर अभियोग पंजीकृत है, इसको अरेस्ट करके जेल भेजा जा रहा है। जनपद के अन्य थानों में भी ऐसे अपराधियों की गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है और ऐसी अपराधी गतिविधियों में लिप्त व्यक्तियों के ऊपर कठोर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।
अलीगढ़ के थाना बल्ला इलाके में गांव पहाड़ीपुर के पास खड़े ट्रैक्टर ट्रॉली से बाइक सवार एक शख्स की मौत हो गई है। बता दें कि दो भाई बाइक से घर जा रहे थे, कोहरे के कारण सड़क किनारे खड़े ट्रैक्टर ट्रॉली से बाइक जा टकराई। शोर शराबा सुन ग्रामीण मौके पर एकत्रित हो गए। सूचना पर एम्बुलेंस और इलाके की पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। दोनों घायलों को जिला अस्पताल भेजा गया, जहां डॉक्टरों ने एक भाई को मृत घोषित कर दिया। वहीं हादसे की खबर पाकर परिजन भी जिला अस्पताल पहुंच गए और परिजनों ने बताया कि मृतक पांच भाई बहन में तीसरे नंबर का बताया जा रहा है। उसके छोटी बहन की शादी भी तय हो चुकी है, 30 जनवरी को शादी है। उसको लेकर घरों में इस वक्त तैयारियां जोरों शोरों पर चल रही थी। घर में खुशी का माहौल अब मातम में बदल चुका है। घायल को इलाज के बाद फिलहाल घर भेज दिया गया है। हादसे की सूचना संबंधित थाना भेजते हुए शव को मोर्चरी में रखवा दिया गया है। और इसी के साथ उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।